आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। इस खास रिपोर्ट में हम आपसे बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में किस तरह से राजनीतिक समीकरण बदलने वाले हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र में सरकार को लेकर अब फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाने के लिए संविधान पीठ का सहारा लिया है। सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है कि अब 5 जजों की एक टीम होगी और ये टीम संविधान पीठ की होगी जो इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे और शिवसेना की याचिकाओं को संविधान पीठ भेज दिया है। उद्धव गुट का बड़ा बयान सामने आ गया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आने के बाद उद्धव ठाकरे का गुट जश्न में डूब गया है। उद्धव गुट का साफ साफ ये कहना है कि ये जो कुछ भी महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, ये फैसला अब संवैधानिक तरीके से आगे आएगा और संवैधानिक लिहाज से उद्धव ठाकरे की सेना ही असली शिवसेना है। उद्धव ठाकरे की सेना ही है जो असल में जीती है, इसलिए अब एकनाथ शिंदे को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, ये बड़ा बयान है जो शिंदे गुट की तरफ से आ गया है। ताल ठोक कर शिंदे गुट कह रहा है कि इस्तीफा एकनाथ शिंदे को देना पड़ेगा, क्योंकि संवैधानिक तरीके से अब ये सुनवाई होने वाली है और संविधान यही कहता है कि जो कुछ भी यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने किया वो गैरकानूनी है, संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता, इसलिए अब एकनाथ शिंदे को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। देखना होगा उद्धव गुट के दावों पर क्या कुछ एकनाथ शिंदे करते हैं, क्या वाकई शिंदे की हार हो जाती है क्योंकि लड़ाई अब संवैधानिक हो गई है। इन तमाम सवालों के जवाब आगे आने वाले वक्त में मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।